हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाफ विद मायरा। एक्चुअली टुडे आई एम लिटिल बिट टायर्ड है। एक्चुअली दोपहर में हम लोग स्कूल से वापस आए तो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया था, क्योंकि स्कूल में जनरेटर ख़राब हो गया था और लाइट नहीं थी 2-3 घंटे के लिए। और गर्मी आपको पता बहुत है, इट्स जुलाई, यू नो टुडे इज 9th जुलाई, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, परेशान हुए। उसके बाद अब किचन से आई हूँ, घर का थोड़ा काम करके, किचन का काम करके तो बहुत थक गई हूँ सीरियसली। लेकिन उसके बाद अब मुझे थोड़ा अपने योगा एक्सरसाइज करना है। मायरा ने स्कूल से आकर ही अपना होमवर्क कर लिया था, बिकॉज लाइक उसको बड़ा अच्छा लगता है व्हेनेवर शी इज़ कमिंग बैक एंड शी जस्ट टेकन हर नोटबुक्स और लेके बैठ जाते हैं, मामा आई एम गोइंग टू डू माय दिस होमवर्क दैट होमवर्क, मैम ने ये दिया वो दिया, लाइक शी इज़ ऑल द टाइम वेरी एक्साइटेड फॉर हर होमवर्क। चलो अभी वो टीवी देख रही है ना, शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन, माशा एंड बियर, एज यू नो चिल्ड्रन लाइक किड्स आर ऑलवेज यूज टू वॉच देयर कार्टून, सबसे अच्छा उनका एंटरटेनमेंट सोर्स एटलीस्ट बैठ जाती है। ओके, सो इन द लास्ट वीडियोज आई वॉज टेलिंग अबाउट यू लाइक कॉन्फिडेंस, योगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, लाइक जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो भी मेरे दिल में बात होती है मैं शेयर करती हूँ, राइट। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आई विल शेयर पिक्चर्स ऑफ योगा एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग एवरी डे। देखो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगी बताना, लाइक ऑल द पोजेज आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाई वन इन माई ऑल वीडियोज़, कि मेरा फर्स्ट पोज ये होता है और आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद अनदर। ओके, देखो फर्स्ट पोज इज माई, उससे पहले हम बात करते हैं ये पिक्चर की। दिस पिक्चर इज़ अबाउट अ बर्ड और इसमें उसके छोटे 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 से बेबीज हैं, दे आर इन द नेस्ट। एंड देखो मैंने नेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन सा ऐसा कलर, इसको ऐसा लुक दिया है कि थोड़ा नेस्ट अच्छा लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा बना है। एंड चलो वट एवर, जो भी है अच्छा बन गया, ठीक है, गुड। आपको मैंने बताया था आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, मैं सिर्फ कलर फिल करती हूँ, वो भी पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अदर टॉपिक, दैट इज़ माई योगा टॉपिक। उसमें क्या है कि अभी एक पोज मैंने आपको शेयर किया है, दैट इज़ कैट पोज एंड काउ पोज, डॉग पोज, कुछ भी उसको बोल सकते हो, राइट। तो क्या करना है, ये आपको, यू हैव टू होल्ड ईच पोज फॉर 30 सेकेंड्स। इसके लिए यू कैन यूज़ योर फ़ोन फॉर सेट द टाइमर। मैं वेन एवर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई योगा पोजेज, मैं सबसे पहले अपने फ़ोन का टाइमर लगाती हूँ, 30 मिनट्स सेकेंड्स का टाइमर लगा के आई एम कीपिंग माई फोन असाइड, और जो मैट रहता है उसको बिछा के आई स्टार्टेड विद माई योगा। माई ईच योगा पोजेज एक्सरसाइज इज़ अबाउट 30 सेकेंड्स, कई से ज़्यादा भी होती हैं, जो ज़्यादा होती हैं वो दैट आई विल शेयर यू स्टेप बाई स्टेप। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज़ डॉग काउ और कैट, जो भी इसको पोज बोलते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट, राइट। इससे क्या होता है, इसके आपको बैक की स्ट्रेंथ रहती है एंड आपका जो स्टमक का जो फैट है वो थोड़ा आपको उसमें फ़र्क पड़ता है, बैक पेन में आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, इसके काफ़ी ज़्यादा लाइक बेनिफिट्स है। जैसे कोई गैस्ट्रिक इशू रहते हैं, एसिडिटी वगैरह का इशू रहता है, तो इससे उसके लिए भी रिलीफ मिलता है। आपको पता है व्हेनेवर यू आर डूइंग मोपिंग, देखो मुझे ना मोपिंग का बड़ा शौक है, मैं पोछा वगैरह हमेशा बैठ के लगाती हूँ, आई नेवर यूज़ वाइपर टू मॉप इन माई हाउस। तो क्या है, ये वही सारी एक्सरसाइज हैं जो आप बैठ के ये वाले पोजेस बनाते हो, द सेम पोज आप देख सकते हो। इससे क्या है, आपका गैस सारा पास होता है तो आपके पेट में दर्द नहीं होता, एक्सेक्ट, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। सो टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज, ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने लगी है, पहले इससे स्टार्ट करें। जो बिगनर्स हैं, जो करते ही नहीं हैं, एटलीस्ट 30 सेकेंड 30 सेकेंड्स और 1-1 मिनट के लिए इसको